ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिए गए एक बयान के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसी न किसी रूप में लव जिहाद को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है, लेकिन कहते हैं जल्दबाजी कभी कभी भारी पड़ सकती है। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिससे सतीश पूनिया और प्रदेश भाजपा की किरकिरी हो गई। दरअसल लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की मंशा से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज एक ट्वीट किया है। एक अखबार में प्रकाशित खबर की कटिंग का हवाला देते हुए पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूनिया ने इस खबर को आधार बनाते हुए कहा कि लव जिहाद की ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं प्रदेश में रोज घटित हो रही है। पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित करते हुए पूछा, आखिर प्रताड़ित बच्चियों के मुखिया कब बोलेंगे। यही नहीं, पूनिया ने सीएम गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत के धर्म निरपेक्ष नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रकाश डालने का कष्ट करे। मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने खोली पोल। सतीश पूनिया की ट्विटर पोस्ट के कुछ मिनटों बाद ही मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पलटवार करते हुए ऐसा खुलासा किया जिससे न सिर्फ हर कोई बौचक्का रह गया बल्कि पूनिया को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल जिस अखबार की प्रकाशित खबर को आधार बनाकर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए वो वर्ष 2017 की निकली और इस पर करारा तमाचा यह रहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे नित भाजपा सरकार थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए लिखा, माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी, अखबारी खबर वर्ष 2017 की है, इसकी पुष्टि कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए खबर का लिंक भी साझा किया जा रहा है। आपको बता दे, सतीश पूनिया द्वारा ट्वीट की गई खबर वर्ष 2017 के मई माह की है, जब राजस्थान पुलिस ने सीकर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करता था और फिर उनका वीडियो बनाकर वायरल कर देता था। यही नहीं, लड़कियों से धन परिवर्तन कराकर गिरोह के किसी एक सदस्य से निकाह करने का भी दबाव डाला जाता था। यदि लड़की इसके लिए राजी हो जाती थी तो उसे ये गिरोह कुछ दिन बाद देह व्यापार के काम में लगा देते थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।